గారి మీద ఆసాం ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే కమెంట్ చేసారు దానికి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ జగన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే పిలిపించారు ప్రతి పిఎస్ల వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం ఇది భారత్ సంస్కారంలో ఇది ఒక పద్ధతి కాదు రాహుల్ గాంధీ గారి వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి కానీ వాళ్ళ అమ్మాన గురించి అలా తాగరు అనే ఒక డిఎన్ఏ గురించి అడగడం ఎంతో దురదృష్టకరం ఇమీడియట్ నేను బీజేపీ అధ్యక్షుడు నడ్డా గారితో కోరుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఆసాం సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో ఇమీడియట్ ఆయన సస్పెండ్ అయినా చేయాలి ఆయన రివోక్ చేసేసి ఇమీడియట్ తీసేసేయాలని మేము కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి కోరుకుంటున్నాం కాంగ్రెస్ మరి राहुल गांधी जी के ऊपर जो है ना आसाम के जो सीएम है उन्होंने गलत टिप्पणी की थी हमारे जो राजू गांधी जी है हाँ उनको लेकर और राहुल गांधी जी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी बहुत ही गलत टिप्पणी है उसको लेकर हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस कमेटी नाराज़ है और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी जी ने आज जो इसे क्या ना एक निवेदन किया सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि तेलंगाना स्टेट में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में जाके कंप्लेंट करना है पूरे में और हमारे जो वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव जी है उनके नेतृत्व में और हमारे अरविंद कुमार यादव जी के नेतृत्व में हम जो इसे क्या ना आकर जैसे क्या टप्पा चपुत्रा पी एस पर यहाँ के डिविजनल प्रेसिडेंट और बाकी जो भी सीनियर लीडर हैं उनको सबको लेकर हम जो इसे क्या है ना जो इसो यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं और यहाँ पे FIR होना बोलकर बोल रहे हैं साथ ही में जो इसे क्या है ना नेशनल प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं उनसे भी जैसे हमारे अन्ना अरविंद जी ने कहा कि जल्द से जल्द जो इसे क्या है ना आसाम के सीएम को सस्पेंड करना चाहिए सस्पेंड करके और इस तरह की और जैसे कि एक पॉलिटिकल फैमिली जो इसे क्या है ना अपने कई डिकेड से और अपने कई जो इसे एंसेस्टर्स से जो इसे क्या है ना समाज सेवा और इंडिया के लिए इतना कुछ किए हैं उनके लिए जो टिप्पणी की है बहुत एकदम गलत है उसकी हम निंदा करते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो है क्या सस्पेंड करें और कांग्रेस पार्टी जो है कहना राहुल गांधी जी के साथ है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।